નમસ્કાર, આપણો ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ભાવનગરથી અમારા સંવાદદાતા સુરેશ ત્રિવેદી જણાવે છે કે આજે અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડમાં ભંગાવવા માટે આવેલ ઐતિહાસિક યુદ્ધ જહાજ આઈએનએસ વિરાટની થેન્ક યુ વિરાટ ટપાલ ટિકિટનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું। आ प्रसंगे रिटायर्ड एर कमांडर केदार ठाकर उपस्थित रहा था। कमांडर ठाकर एरफोर्स में 35 वर्ष फरज बजावी चुक्या छे अने हाल तेओ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खाते फरज बजावी रह्या छे। ठाकर आईएनएस विराट पर फरज बजावी चुक्या छे अने आ प्रसंगे तेमणे कह्युं हतुं के परिवर्तन अने नवीनीकरण ए जरूरी छे, त्यारे आईएनएस विराटनो पण ए ज तबक्को छे। आईएनएस विराट भले भांगशे पण एना स्मरणो अमारी पासे अमर बनी रहेशे। आ प्रसंगे श्रीराम ग्रुपना चेरमेने जणाव्युं के अमे घणा जहाज भांग्या, परंतु इंडियन नेवीनुं एरक्राफ्ट कैरियरने भांगवुं ए मारुं सपनुं हतुं अने ए मारुं अने भावनगरनुं गौरव पण वधार्युं। आ प्रसंगे भावनगरना मेयर आईजी, सौराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीना चेरमेन, भूतपूर्व मेयर सहितना महानुभावो उपस्थित रह्या हता। टेक ऑफ अथवा लैंड करवानो अनुभव करवामां आव्यो हतो। एटले इनोवेटिवनेस आजे छे एवो नथी, वर्षोथी छे, पहेलेथी ज लोको आ तरफ कार्यरत रह्या छे अने आवी सफलता मेळवी छे अने पहेला विश्वयुद्ध दरमियान ज एरक्राफ्ट कैरियर बनवाना शरू थई गया हता। बीजी एक पण माहिती मारे आपने आपवी घटशे के आ तो आपणे जाणीए छीए के आईएनएस विराट नुं पहेलानुं नाम हतुं एचएमएस हर्मीस, ज्यारे ते ब्रिटिश रॉयल नेवी में हतो, पण जे दुनियानु सौथी पहेलू एरक्राफ्ट कैरियर बनवानु शरू थयुं हतुं एनुं नाम पण एचएमएस हर्मीस हतुं। ए आ एचएमएस हर्मीस नहीं पण एनुं पहेलानुं जे एचएमएस हर्मीस हतुं जे पहेला विश्वयुद्ध दरमियान बनवानु शरू थयुं हतुं। नेवीनी एक प्रथा छे के जे बहु सेवा आपी होय अने जे बहु एनो मोटो इतिहास होय ए वॉरशिपना नाम थी बीजी वॉरशिप पण बनाववामां आवे छे। आपणे पण आपणुं जे पहेलुं एरक्राफ्ट कैरियर हतुं आईएनएस विक्रांत, एना ज नामे हवे इंडिजिनियस आपणे एरक्राफ्ट कैरियर बनावी रह्या छे, एनुं नाम पण आपणे विक्रांत ज राख्युं छे। एटले नेवीनी एक प्रथा छे के जेनो बहु उजळो बहु भव्य इतिहास होय ए शिप्सना नाम, एवी ज रीते हर्मीसनुं पण नाम फरीवार रिपीट थयुं हतुं अने बाकी आपणे जाणीए छीए के 60 वर्ष लगभग 55-60 वर्षनी सेवा आपीने आजे किरीट भाई सोनीए जेम बात करी एम दरेक वस्तुनो अंत तो आवो ज जोईए, एम आज आनो पण अंत आव्यो छे। ये फर्स्ट ग्रीन शिप रिसाइकलिंग है। एचकेसी नी शुरुआत होंगकोंग कन्वेंशन अने मर्सना जहाज देश की आज़ादी पछी जो पहली वार लाव्या होय ने शुरुआत करी होय तो श्रीराम ग्रुप है अने एमां भारत सरकार अने माननीय श्री मनसुख भाई मांडवियानो पण खूब खूब पॉजिटिव रिस्पोन्स रह्यो छे अने ए द्वारा देशना आज़ादी पछी पहलीवार मर्सना शिप आव्या अने अमे LR क्लासनुं जे एचकेसी कर्युं छे ए एशियामां हजी सुधी कोईनी पासे नथी अने ईयू पण अमे करवा रह्या छीए एटले युरोपियन युनियनना पण शिप आवी शके। हमणां ज अमने एक ऑफर आवी फ्रेंच नेवी एरक्राफ्ट, जेमां आपणुं इंडियन नेवी एरक्राफ्ट छे एम फ्रेंचनुं नेवी एरक्राफ्ट छे, तो एना माटे अमुक फेसिलिटी माटे अमने सरकारश्रीने प्राइम मिनिस्टर श्री અને મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબને પણ પત્ર લખ્યો છે, અમને બી લખ્યો છે કે ભાઈ તમે આ શિપ લઈ શકો તો કેમ, તો એની સર્ટન્સ બધી કન્ડિશન્સ છે, કારણ કે એ બી એક હિસ્ટોરિકલ શિપ છે। તો એ પણ આપના બધાના આશીર્વાદથી અને બધાના બાપા સીતારામના અમારા માતા પિતાના આશીર્વાદથી અમે કોશિશ કરીએ છીએ કે એ પણ આવે તો એ પણ આપણા દેશનું એક ગૌરવ વધે અને જેમાં બધાનો સાથ અને સહકાર છે માટે આ કાર્ય સંપન્ન થઈ રહ્યું છે। જય હિન્દ, જય વંદે માતરમ, બાપા સીતારામ। तो WhatsApp, Twitter, Facebook, Insta जहाँ भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।